गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भादरा के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखिएगा, मैथ्स की हमने पहले दो कक्षाएं कर चुके हैं हम, उनमें अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, अपना चल रहा था एक्सरसाइज 6.1 और त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपकी सारणी। सबसे पहले देखिएगा, नंबर एक पे आपका आता है साइन थीटा, नंबर दो पे आपका आता है कोस थीटा, नंबर तीन पे आपका आता है टेन थीटा, नंबर चार पे आपका आता है कोट थीटा, नंबर पांच पे आता है सेक थीटा और नंबर छह पे आपका आता है कोसेक थीटा। ये आपको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या छह होती है, जिसमें से आपका फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है आपका कोस थीटा, थर्ड आपका है टेन थीटा, फोर्थ आपका है कोट थीटा और फिफ्थ आपका है सेक थीटा और सिक्स्थ आपका है कोसेक थीटा। अब देखिएगा, इनकी वैल्यू मैंने आपको सिखाई थी, फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की होती है 1। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आप देखिएगा, कोस 0 डिग्री की, यहाँ जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो कोस 0 डिग्री की होती है। देखिए, यहाँ कितना है भाई 1, यहाँ √3/2, 1/√2, उसके बाद यहाँ 1/2 और यहाँ देखिएगा 0 आ गया। उसके बाद टेन थीटा, मैंने आपको फार्मूला करवाया था पिछली क्लासेस में, आप देखिएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाई कोस। तो यहाँ 0 को 1 से मैं डिवाइड करूँगा, आएगा कितना भाई 0, और इसको इससे डिवाइड करूँगा मैं, कितना आएगा भाई 1/√3, इसको इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा भाई 1, इसको इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा भाई √3, और एक को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा अनंत। यहाँ तक शायद तक क्लियर होगा, क्योंकि टेन थीटा होता है बेटा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 है और कोस 0 की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, और साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तो किसके इक्वल आता है टेन थीटा के। तो यहाँ 0/1, 0 को किससे भाग दिया, 1 से भाग दिया, तो बोलिएगा कितना आता है भाई 0। उसके बाद आप देखिए, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो अपना आएगा 1/√3, उसके बाद 1/√2 को 1/√2 से भाग दिया तो अपना आ गया 1, उसके बाद √3/2 को 1/2 से भाग दिया तो कितना आ गया √3, और 1 को 0 से भाग दिया तो आपका आता है अनंत। अब इसका उल्टा लेके चलेंगे, यहाँ से अनंत √3, 1, 1/√3 और यहाँ आ गया 0। शायद तक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप देखिएगा बेटा, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। अब cos देखिएगा, 1/cos, एक यहाँ एक रखूं, 1/1 कितना होता है 1, इसका अर्थ ये हो गया कि इसका sec थीटा किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा का, अर्थात इसका उल्टा होता है ना। तो आप देखिएगा, 1/1 तो 1 ही होता है, इसका उल्टा लेके चलेंगे तो बोलिएगा √3/2 का उल्टा कितना हो गया 2/√3, और यहां देखिएगा √2, फिर यहां इसका देखिएगा 2/1 अर्थात 2 हो गया, और फिर यहां 1/0 कितना होता है भाई अनंत। शायद तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा यहां sec थीटा है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है, तो 1/, इसका मतलब जो
कोस का मान होता है उसका उल्टा केस का मान होता है सेक का, तो एक बटा एक तो एक ही होता है और एक बटे में रूट थ्री बाई टू, मतलब टू ऊपर चला जाएगा और रूट थ्री क्या आ जाएगा नीचे, तो आपका आ गया टू बाई रूट थ्री और यहां आ गया रूट टू बाई वन और वन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहां कितना आ गया टू बाई वन अर्थात टू और यहां आपका वन बाई जीरो कितना होता है अनंत। अब इसका उल्टा लेके यहां से चलेंगे अनंत टू रूट टू टू बाई रूट थ्री और वन। कुछ बच्चों को इस सारणी में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा ध्यान से फिर समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने करवाई है। अब देखिएगा इनके क्वेश्चन देखते हैं। शायद तक आपने 6.1 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी बच्चे को उनमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से करवा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में आपका 11वां क्वेश्चन है भाई, में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आपका 11वां क्वेश्चन है बेटा ये। निम्न में से एक्स का मान ज्ञात कीजिए और आपकी वैल्यू है कोस एक्स बराबर कोस 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री और इंटू में साइन 30 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वें का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसका मान ज्ञात करना है भाई, एक्स का मान ज्ञात करना है और आपके पास क्वेश्चन ये है कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 60 डिग्री इंटू में, बीच में कोई साइन नहीं इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। अब अपने को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की करनी है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां मैं कोस एक्स बराबर कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जो साइन 30 की होती है और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। यहां तक शायद तक किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिएगा बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब गुणा हो रहा है। अब आप देखिए कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2 प्लस में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2 इंटू में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब आपका कोस एक्स बराबर रूट थ्री को एक से गुणा किया तो आपका आ गया बेटा रूट थ्री और टू को टू से किया टू टू से कितना हो गया भाई 4। साइन किसका है बीच में प्लस का, रूट थ्री को वन से किया आपका आ गया अंडर रूट थ्री और दो को दो से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया भाई 4। साइन तक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट देखिए यहां कोस एक्स इज इक्वल टू, यहां देखिए इनका एलसीएम कितना आता है भाई 4 एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम आ गया 4 आपका, तो 4 को 4 से भाग दिया कितना आता है भाई 1 और 1 को रूट 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई अंडर रूट 3। यहां रूट 3 आ गया, साइन किसका है बीच में प्लस का, 4 को 4 से डिवाइड किया फिर कितना आया 1, 1 को रूट 3 से गुणा किया कितना आ गया रूट 3। देखो रूट 3 एक बार और एक बार कितनी बार हो गया 2 बार, तो आपका कोस एक्स बराबर 2 रूट 3 बटे में 4 आ गया, 2 एकम 2 2 दुनी 4, तो आपका कोस एक्स बराबर आ गया रूट 3/2। अब देखिएगा बेटा कोस एक्स बराबर रूट 3/2, अब कोस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है शाबाश। अब देखिएगा अभी किया हमने कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, अब आप देखिए कोस एक्स
इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या मैं? बोलिएगा यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्योंकि कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई? रूट 3/2, और यहां कोस एक्स बराबर आपकी वैल्यू आई है रूट 3/2, और रूट 3/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है भाई? 30 डिग्री की। अब बेटा देखिएगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। यही आपका आंसर है। दोबारा से फिर रिपीट करवाता हूं। अब देखिए, cos x बराबर है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। यहां आपका cos x सेम है और cos 60 डिग्री की वैल्यू यहां रखी मैंने 1/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2, और इनको आपस में क्या किया भाई? मल्टीप्लाई किया। साइन प्लस का है और साइन 60 डिग्री बराबर क्या है? रूट 3/2, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए, रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, रूट 3 आ गया। 2 को 2 से किया, 4 आ गया। साइन बीच में प्लस का है, रूट 3 को 1 से किया, रूट 3 आ गया। 2 को 2 से किया, कितना आ गया? 4। अब यहां इनका मैंने क्या लिया? एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया? 4। 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को रूट 3 से गुणा किया, कितना आ गया? रूट 3। इसी प्रकार यहां 4 को 4 से भाग दिया तो आ गया 1, 1 को किस से गुणा किया? रूट 3। अब आप देखिएगा, रूट 3 और रूट 3 कितनी बार आ गया अभी? 2√3। अब आगे आप देखिए, कोस एक्स बराबर 2√3/4, 2 × 2, 2 × 4, कोस एक्स बराबर रूट 3/2। अब आप जानते हो कि कोस की वैल्यू रूट 3/2 कितने की होती है? कोस 30 डिग्री। तो एक्स कोस से कोस क्या हो गया? कैंसल, तो एक्स बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन और भी करवा देता हूं, इसी का सेकेंड देखिएगा। जैसे रूट 3 टेन 2x, रूट 3 टेन 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब बेटा यहां आपको वैल्यू निकालनी है x की, और आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है? रूट 3 टू टेन 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब यहां अपने को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है भाई? x की। x का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए, रूट 3, ये मैं सेम लिखता हूं यहां, रूट 3 टेन 2x इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री की 1/√2 इंटू में कोस 45 डिग्री की 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 की, कितना मान होता है भाई? 1 होता है। यहां मैंने इन सब की वैल्यू रखी। अब आगे आप देखिएगा, रूट 3 टेन 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/√2 को रूट 2 से गुणा किया। रूट को रूट से गुणा करें, रूट के अंदर एक ही संख्या है, तो भाई रूट आपका क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो यहां आ गया 1/2, और प्लस में कितना है? 2। 2 को मैं 2/1 लिख दूं क्या? बताएं, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब आगे आप देखिएगा, रूट 3 क्या यहां लिखता हूं मैं, रूट 3 टेन 2x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया बेटा? 2। इनका एलसीएम कितना आ गया? 2। इसको इससे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1।
साइन बीच में प्लस का, सेम प्रक्रिया यही रहेगी। अब यहां भी कितना आ गया, एक। साइन किसका है बीच में, प्लस का, एक को इससे भाग दिया दो, दो दो दूनी चार, तो बेटा आपका आ गया रूट थ्री टेन टू एक्स इज इक्वल टू चार और एक पांच, पांच और एक छह, छह बटे में दो, अर्थात दो तीये कितना आ गया छह। तो आपका यहां आता है रूट थ्री इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू आ गया थ्री। बोलिएगा यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब यहां देखिए थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट थ्री इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। बोलिएगा यहां तक कोई डाउट है क्या? उसके बाद आप देख, क्योंकि थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है, थ्री होता है। अब आप देखिएगा रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब आपका यहां क्या आ गया, टेन टू एक्स इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट है थ्री। और अब आप जानते हो रूट थ्री टेन में किसका मान होता है भाई, टेन सिक्सटी डिग्री का होता है। तो यहां रूट थ्री की जगह मैं टेन सिक्सटी डिग्री रख सकता हूं क्या? अब बेटा देखिए टेन से टेन क्या हो गया, कैंसल। टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, सिक्सटी डिग्री, और एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, थर्टी डिग्री। एक्स की वैल्यू मिली कि नहीं, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूं दोनों ही क्वेश्चन। पहले ये करवाता हूं, रूट थ्री टेन टू एक्स इज इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री प्लस साइन फोर्टी फाइव डिग्री इंटू कोस फोर्टी फाइव डिग्री प्लस टू साइन नाइन्टी डिग्री। आपको ये दिया गया है और फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, एक्स की। अब ये वाला रूट थ्री टेन टू एक्स तो मैंने सेम रखा, साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टू। साइन किसका है बीच में, प्लस का। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट टू। कोस 45 की होती है 1 बाई अंडर रूट टू। साइन किसका है, प्लस का, 2 इंटू में 1। अब आप देखिए बेटा कि 1 बाई टू और रूट टू को रूट टू से गुणा करेंगे, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या हो गया, कैंसल। अब इसके बाद देखिए आप कि 1 बाई टू आ गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बेटा 2 ही आता है। अब इनका मैंने एलसीएम लिया, यहाँ एलसीएम लेने के बाद एलसीएम कितना आ गया इसका, 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1। इसी प्रकार यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए 4 प्लस 1 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 बाय 2 कितना आ गया आपका 3। तो आपका रूट थ्री टेन टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3। और यहाँ मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ भाई, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इधर ये गुणा में इधर आते ही भाग में आ गया, अर्थात ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। आपका क्या बच गया, टेन टू एक्स बराबर अंडर रूट है 3। अब 10 में देखिएगा रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की। तो बेटा यहाँ टेन टू एक्स बराबर 10 60 डिग्री है, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल। 2x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, और x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और ही करवाता हूं मैं इसका, फटा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan 3x, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू में कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी भाई, यहां हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन क्या है कि tan 3x बराबर आपका है sin 45 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब यहां बेटा अपने को मान निकालना है x का। अब देखिए
टेन थ्री एक्स सेम रहता है। ध्यान से समझिएगा, आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपका जो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 के तीन पार्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए tan 3x इज इक्वल टू बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इनटू में cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 और प्लस में साइन 30 की होती है 1/2। शायद तक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, मैंने सिर्फ मान ही रखा है इनका। अब आप देखिए tan 3x 1/√2 को 1/√2 से हम गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा किया एक आ गया, और रूट दो को रूट दो से हम गुणा करेंगे तो बताइएगा रूट क्या हो गया, कैंसल, तो यहाँ कितना आ गया 2 और प्लस में 1/2। tan 3x इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, 2। अब 2 को 2 से भाग दिया कितना आता है 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 1, साइन किसका है बीच में प्लस का, 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 एक आम 1, तो यहां tan 3x किसके बराबर है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2, तो tan 3x बराबर में आ गया 1। यहां तक शायद तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिएगा बेटा tan में एक वैल्यू किसकी होती है, कौन से एंगल पे होती है, tan 45 डिग्री की, तो यहां मैंने tan 45 डिग्री tan 3x बराबर क्या रखा, tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। अब देखिए tan से tan मैंने कैंसिल किया तो 3x बराबर 45 डिग्री और x बराबर कितना आ गया भाई, 45 डिग्री बटे में 3, तो कितना आ गया भाई 15 डिग्री। शायद तक तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल दीजिए, आपको कल आते ही वही सॉल्यूशन करवाऊंगा। अब देखिए एक बार इसको उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा एक बार इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे वाले सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं भाई, उनके दो तीन क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके बाद आप 6.1 की प्रैक्टिस करना, और फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, वही क्वेश्चन करवा दूंगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, दो कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वेयर 60 डिग्री माइनस 6 × sin² 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वेयर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए कितनी आई है, इसका मान निकालिए। अब यहां ये भी आ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे और राइट हैंड साइड आपको दे दिया, प्रूव करो, वो बात एक ही है। देखिए इसका मान निकालिए, इसका अपने को मान निकालना है। अब देखिएगा बेटा यहां हम इसका मान निकालेंगे तो 2 × cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और यहां स्क्वायर है तो हमने क्या रख दिया भाई, स्क्वायर, ठीक है, प्लस में टेन 60 डिग्री की कितनी होती है, 3/√3, और यहां स्क्वायर है तो यहां भी कितना हो गया, 3/√3 की स्क्वायर। साइन तक क्लियर होगा ये, साइन किसका है बीच में, माइनस का, 6 × यहां ब्रैकेट स्टार्ट है भाई, ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहां,
अब देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 2, और स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया भाई स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 3, तो यहां 1 बाय अंडर रूट 3 की क्या होगी भाई स्क्वायर। अब आप आगे देखिएगा 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 की स्क्वायर है, अर्थात एक की स्क्वायर कितना होता है एक, रूट 2 की स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहां आ गया आपका 1 बाय 2 प्लस रूट 3 की स्क्वायर कितनी है भाई 3, इसको मैं 3 बाय 1 लिख सकता हूं क्या। उसके बाद साइन देखिएगा माइनस 6 इंटू 1 बाय रूट 2 की स्क्वायर कितनी आ गई 1 बाय 2, माइनस में 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया 1 बाय 3। शायद तक किसी को दिक्कत नहीं है यहां तक तो। उसके बाद आप देखिएगा 2 इंटू इनका एलसीएम आता है बेटा 2, 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, साइन आ गया बीच में प्लस का, 1 को 2 से भाग दिया 2 और 2 3 कितना आता है 6, साइन किसका है माइनस का 6, बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 6 3 एकम 3, साइन है माइनस का 3 दूनी 6 2 एकम 2। अब आप आगे देखिएगा 2 इंटू 6 और 1 कितना हो गया 7 बटे में 2, माइनस 6 इंटू या इसको एक बार ऐसे सीधा ही लिख सकते हो, अब तो ब्रैकेट को मैं सोल्व कर लेता हूं, 6 इंटू 3 में से 2 गया 1, 1 बटे में 6, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 7 एकम 7, माइनस 1 एकम 1, आंसर कितना आ गया 6। अगर आपको सीधा क्वेश्चन दे कि इनका मान निकालो तो ये आ गया, और क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जैसे कि आपका 6.1 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और राइट हैंड साइड कितनी दी गई है 6, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है, ये सिद्ध कीजिए। तो जस्ट आपको यहां लिखना है LHS, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब उसके बाद देखिए ये सेम 2 इंटू कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 2, और इसकी स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर होगी, प्लस टेन 60 डिग्री की वैल्यू है रूट 3 और इसकी क्या होगी स्क्वायर, साइन किसका है माइनस का, ये 6 का 6 यहां, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय रूट 2 और इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन किसका है माइनस का, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बटा अंडर रूट 3 और यहां स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 होगी, रूट 2 की स्क्वायर 2 हो गया, साइन बीच में प्लस का, रूट 3 की स्क्वायर 3 और 3 बटा 1 मान सकता हूं मैं, 6 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2, साइन बीच में है माइनस का, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3। अब देखिए बेटा 2, अब यहां इसका एलसीएम आ गया 2 और यहां कितना 2 को 2 से भाग दिया 1, 1 एकम 1, साइन है बीच में प्लस का, 1 दुआ 2, 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया, साइन है माइनस का, 6 इंटू 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, इसका एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 6, 3 एकम 3, साइन है माइनस का, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब देखिए 6 और 1 कितना होता है 7, 2 गुणा 7 बटा 2, साइन है बीच में माइनस का, 3 में से 2 गया 1, 1 बटे 6 और ये गुणा में कितना है 6, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 7 में से 1 गया कितना भाई 6, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। अब इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम ऐसे ही क्वेश्चन है लगभग सारे 6.1 के, फिर भी हम और क्वेश्चन करेंगे, इसकी एक दो क्लासेस और भी लगाएंगे, इसकी विविध प्रश्नमाला भी करेंगे। बेटा ध्यान से समझो, आसान ही है, इजी है ये वाला चैप्टर तो। अब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन यहां रखता हूं, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इनटू में सेक स्क्वायर 30 डिग्री इनटू में
साइन की क्यूब 90 डिग्री इनटू में कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी क्या निकालो, वैल्यू निकालो। अब यह आ सकता है यहां कि प्रूव करो ये 4/3 के बराबर है, प्रूव करो ये 4/3 के बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? देखिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोस एक्स स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में sec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में साइन क्यूब 90 डिग्री इंटू में कोस 60 डिग्री। अब इनकी मैं वैल्यू रखता हूं बेटा, यहां इनकी वैल्यू रखता हूं, आप मुझे बताएं cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos sec किसका उल्टा होता है? साइन का, और साइन 45 डिग्री की 1/√2 होती है, तो बताइए कोसेक की कितनी होगी? √2/1। मीन आपका कितना आ गया? √2 की यहां स्केयर है तो स्केयर रख दी, इनटू में सेक 30 की वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? शाबाश, जल्दी से बताइएगा कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आप मुझे ये बताएं कि देखो कोस साइन, अब आप मुझे ये बताएं, यहां मैं सीधा लिख दूं क्या? 2/√3, और इसकी क्या है? स्केयर, क्योंकि कोस 30 डिग्री की आपकी होती है √3/2, तो आपका सेक 30 डिग्री की कितनी होगी? 2/√3, उल्टा हो गया भाई। अब देखिए इसकी स्केयर है तो यहां स्केयर आ गया, साइन 90 डिग्री की कितनी होती है? 1, इसकी क्यूब, और कोस 60 की कितनी होती है भाई? 1/2। अब आप देखिएगा √2 की स्केयर कितना हो गया? 2, इनटू में 2 की स्केयर 4, और √3 की स्केयर कितना आ गया? 3, इनटू में आपका 1, इनटू में 1/2। शायद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए बेटा, 2 से 2 क्या हो गया? 2 एकम 2, और ऊपर इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 4, और बटे में क्या आ गया? 3। यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अब देखिए cos स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sin क्यूब 90 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर प्रूव करना है 4/3। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया √2 की स्क्वायर, 2/√3 की स्क्वायर, 1 की क्यूब 1/2। अब यहाँ √2 की स्क्वायर 2 है, और 2 × 2 = 4, 4/ कितना आ गया? 3, इंटू में 1, इंटू में 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, और 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ कि नहीं? ऊपर 1, 1 और 1, और इस 4 से मल्टीप्लाई किया आपका 4 आ गया, और बटे में कितना आ गया? 3। आप अब 6.1 का लगभग आप है ना 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन करना, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और मेरे ख्याल से आपने 1 से लेकर 10 तक कर लिया होगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने बोल दिया है। आज आप करोगे 11 से लेकर 16 तक, और इससे आगे कल देखेंगे। थैंक यू।